हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शमास किचन। मैं आज बनाऊंगी तीन चीज़ें जो कि है जिंगी पार्सल, स्प्रिंग रोल्स और समोसे। एक ही स्टफिंग से तीन चीज़ें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हैं इंग्रेडिएंट्स, ये है चिकन का कीमा। तो चलिए, मैंने ले लिया एक पैन, उसमें डाल दिया है ऑयल जो कि है 50 ml ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद हम उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। देखिए ऑयल अभी गर्म हो रहा है। जैसे ही ऑयल गरम हो गया, मैंने उसमें डाल दी प्याज, हमें स्लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद मैंने उसमें ज़ीरा डाल दिया, ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, सही से मिक्स कर लेंगे। देन मैंने कैरेट ऐड कर ली और कैबेज ऐड कर ली। तो एक साइड मैं इन्हें कर लूँगी और एक साइड में जिंजर गार्लिक का पेस्ट को भून लूँगी। इससे क्या है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट जलेगा नहीं। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली ऑयल में डालो तो कई बार वो जल जाता है। हमें थोड़ा कच्चा कच्चा सा रखना है ताकि इसकी सौंधी खुशबू वेजिटेबल्स में आ जाए। तो देखिए, साइड बाय साइड मैं इसे भून रही हूँ। बाद में मैंने सबको मिक्स कर लिया अच्छे से। मैं इसे 10 मिनट पका लूँगी। इसे हमें पूरा नहीं पकाना है, इसे हमें सिर्फ 60% कुक करना है सारी वेजिटेबल्स को। तो ये देखिए, मैं अच्छे से चम्मच चला रही हूँ। मैंने सॉल्ट डाल लिया है, ब्लैक पेपर डाल लिया है, थोड़ी सी चाट मसाला डाल लिया है और अच्छे से सबको मिक्स करके अच्छे से मैं 10 मिनट अच्छे से इसको पका लूँगी। अब इसमें हम चिकन का कीमा ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चम्मच चला के इसे हमें 8 से 10 मिनट अच्छे से भून लेना है। चाहे आप इसे ढक्कन ढाँक के भी 10 मिनट पका सकते हैं या आप इसे भूनते रहें 10 मिनट तक। तो मैंने इसे भूना है, फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया था और इसे खूब अच्छे से मैंने भूना है। फिर मैंने इसके बाद इसमें डाल दी थी चिली पाउडर 1/2 tablespoon, थोड़ा सा सोया सॉस और कुछ ड्रॉप्स विनेगर के, 7 से 8 बूंद। फिर मैंने इन्हें अच्छे से चम्मच चला के भून लिया था। अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर लिया था। अच्छे से चम्मच चलाने से ये काफ़ी अच्छा भून जाता है और बहुत करारा क्रिस्पी बनता है। देखिए, मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और इसे खूब अच्छे से चम्मच चला के 2 मिनट और पका लेंगे। और 2 समोसे की शीट ले ली थी, इसे मैंने अल्टरनेट रख लिया था, मतलब एक के ऊपर एक क्रॉस साइन बना लिया था। इसके बाद मैंने बीच में बिल्कुल जो हमारा चिकन का जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो डाल दिया। फिर इसमें एक साइड में मैदे और पानी का घोल लगा दिया। चारों डायरेक्शन में हमें लगाना है, चारों के कॉर्नर्स पे लगाना है, उसे ऐसे सील कर देना है। ये देखिए, अब नीचे वाले पार्ट को भी हम अच्छे से सील कर देंगे। इसमें भी मैदे का घोल लगाया है और ऊपर वाले में भी मैदे का घोल लगाया है। इसे अच्छे से हम सील कर देंगे। सील एकदम पैक होनी चाहिए, नहीं तो फ्राई में ये खुल जाते हैं। तो मैं एक और आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, रेडी हो गया ये। तो मैंने दूसरा लिया है, इसमें भी स्टफिंग अच्छे से डाल ली है और फिर मैं इसमें भी मैदे का घोल अल्टरनेट पेयर्स में लगा के इसे अच्छे से पैक कर लूँगी। ये देखिए, ये रमज़ान स्पेशल डिश है, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। इसे क्रिस्प क्रिस्प तलिए, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए, ये भी तैयार हो गया। अब मैं समोसे बना रही हूँ। तो मैंने ऐसा इसका एक पैक तैयार कर लिया है और इसके अंदर मैंने स्टफिंग डाली है। मैंने एक बार समोसे की रेसिपी शेयर की, उसमें कई बार मैंने फोल्डिंग टेक्निक्स दिखाए हैं, तो एक बार आप फिर देख लीजिए। इसे हमें ट्रायंगल शेप में क्रिस क्रॉस करके मोड़ना रहता है। ये देखिए, मैदे का घोल लगाया और इसे अच्छे से पैक कर दिया। ये देखिए, तो ये हमारा समोसे तैयार हो गए। ये देखिए, अच्छे से पैक कर दिया हमने इसे। तो चलिए अब स्प्रिंग रोल्स बना लेंगे। तो स्प्रिंग रोल की शीट हमने ऐसे ले ली है, इसको हम ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। स्क्वायर शेप की है ये शीट। अब इसमें बीच में स्टफिंग डालेंगे और इसे रोल करेंगे। ये देखिए, एक बार रोल किया, फिर इसके साइड्स में हम मैदे का घोल लगाएंगे
और फिर इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे साइड लॉक कर देंगे, फिर इसे टर्न करेंगे, फिर अब इसमें फिर मैदे का घोल लगाएंगे और इसे अच्छे से सील कर लेंगे। ये भी हमारा तैयार हो गया। तो ये देखिए मैंने हर चीज़ अच्छे से तैयार कर लिए। तो सबसे पहले मैंने फ्राई किए झींगी पार्सल्स। तो ये देखिए मैं इसे क्रिस्प कर लूँगी, मीडियम फ्लेम करके मैंने इसे फ्राई कर लिया था। इसे हम मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे तो ये काफ़ी क्रिस्प बनते हैं। अगर आपको ज़्यादा गोल्डन पसंद है तो ज़्यादा गोल्डन कीजिए, लाइट पसंद है तो लाइट कीजिए। आप इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं। 3 से 4 आप डाल के अच्छे से फ्राई कर सकते हैं अगर उसमें स्पेस है कढ़ाई में तो। अब मैं फ्राई कर लूँगी समोसे। जैसे ही गोल्डन हुए मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया था। देखिए कितना प्यारा कलर आया, ये बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बने थे। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो मैं इसे निकाल लूँगी। अब हम फ्राई करेंगे स्प्रिंग रोल्स। तो ये देखिए गाइस, मैंने इन्हें अच्छे से निकाल के सजा लिया है और ये कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। हम लोगों को तो बहुत पसंद आई, मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद आई। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।